थाना अंतर्गत मानेवाड़ा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक सामग्री की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे की है। प्लॉट नंबर 135 पांच पावली निवासी प्रदीप श्याम कुंवर लखोटे की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिशा निर्देशों के साथ पहले से भी अधिक भव्य मंदिर में अब भक्तों द्वारा गणेश जी के दर्शन का रास्ता भी खुल चुका है। यूएसए में रह रहे दंपति के बजाज नगर स्थित फ्लैट पर एक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी NRI आशीष मल्होत्रा और सोनिया मल्होत्रा की शिकायत पर आरोपी अजय उत्तरवार के खिलाफ IPC की धारा 448 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के मानदंडों को शिथिल कर अब न्यूनतम 1500 की आबादी वाली ग्राम पंचायत की शराब दुकानें खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सरकार ने इस संदर्भ में 3 दिसंबर को पत्र जारी कर राज्य के सभी जिलाधीश आबकारी विभाग के विभागीय उपायुक्त तथा आबकारी अधीक्षकों को आदेश दिए हैं। बोगस क्रीड़ा प्रमाण पत्र घोटाले में एक के बाद एक सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी क्रम में पुलिस ने रविवार को परभणी से एक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में बड़े पैमाने पर बोगस प्रमाण पत्र और दस्तावेज बरामद हुए। आश्चर्य बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बावजूद वह अपने घर से सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रहा था। पकड़ा गया आरोपी माखनी गंगाखेड़ परभणी निवासी संतोष गोपीनाथ कठाले बताया गया। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की पद्धति में सुधार लागू किया है, लेकिन जिला परिषद नागपुर स्वास्थ्य विभाग के सहायक अधीक्षक की मनमानी के चलते अनेक वैद्यकीय अधिकारियों को रिटायरमेंट के 4-4 वर्ष बाद भी पेंशन व अन्य सुविधाओं व भत्तों का लाभ नहीं मिल रहा है। GPF में जमा की गई रकम अब तक उन्हें नहीं मिली है। सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी संगठन की ओर से इसका खुलासा किया गया है। इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली। मृतक जात तरोड़ी निवासी जगन्नाथ रघुनाथ सोमकुंवर बताए गए। जगन्नाथ ने 2 दिसंबर की रात अपने घर में विष प्राशन कर लिया। कोरोना महामारी के संकट से फिलहाल धीरे धीरे राहत मिलते भले ही दिखाई दे रही हो, किंतु मनपा में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इसका कारण है कि कोरोना के संकट के कारण स्थायी समिति सभापति पिंटू झलके का पूरा कार्यकाल इसमें बीत गया। 2731 करोड़ का बजट देने के बावजूद विकास की दृष्टि से उन्हें कोरोना की पाबंदियां होने से कुछ भी करना मुमकिन नहीं हो पाया है। कोरोना के बाद अचानक विधानसभा परिषद के चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता की दोहरी मार उनके कार्यकाल पर पड़ी है। हालांकि अब सोमवार से आचार संहिता खत्म होने से यही मायनों में स्थायी समिति सभापति के रूप में उनकी इनिंग शुरू होने जा रही है। कोरोना से मरने वालों का सिलसिला जारी है। जिले में रविवार को फिर 11 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसमें मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 3735 हो गई है। यह आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच रहा है। रोजाना 10-12 की मौत अब फिर होने लगी है। रविवार को जिन 11 की मौत हुई उसमें 6 सिटी के है, 1 जिले के ग्रामीण भाग का और 4 जिले के बाहर के है। नागपुर हैदराबाद हाईवे क्रमांक 7 पर दरोड़ा परिसर में रविवार तड़के क्रूजर वाहन ने ट्रैवल्स बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में क्रूजर में सवार 13 लोग घायल हो गए, उनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल 5 लोगों पर वर्धा में तथा अन्य 8 पर बडनेर स्थित अस्पताल में उपचार जारी है। इस प्रकरण में ट्रैवल्स चालक तेलंगाना के जामगांव निवासी अर्जुन येलन्ना गज्जला ने शिकायत दर्ज की है।